नमस्कार साथियों, आप सभी का SPL लाइव लर्निंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का वीडियो है जिन लोगों को आज भी परेशानी हो रही है कि कैसे फॉर्म डाउनलोड करना है और कैसे फॉर्म भरना है और कहां पर भेजना है। ये जानकारी आपको मैं ऑनलाइन ही समझाता हूँ। आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए कि फॉर्म आपको हर जगह मिल जाएगा इसके अंदर यूट्यूब पे, लेकिन सबसे पहले आपको यूट्यूब को क्लिक करना है। साथियों, ऊपर सर्च बार है तो आप SPL लाइव लर्निंग सर्च करेंगे। मैंने पहले सर्च करा था तो मैं SPL लाइव लर्निंग पे सर्च करता हूँ। साथियों, ये SPL लाइव लर्निंग खुल गया है। आप ये नीले लोगो देख रहे हैं SPL लाइव लर्निंग का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। साथियों, उसके बाद आप जो ऊपर ये लिस्ट आ रही है तो आप इसमें चैनल्स पे चले जाएंगे। साथियों, सबसे पहले SP सर का ऊपर आ रहा है, SP सिंह, इस के ऊपर क्लिक कीजिए। ये फाइल खुलने के बाद आप ये जो वीडियो पहला एरो दिखा रखा है चार वीडियो के नीचे, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक वीडियो सर की कोई भी, हर एक वीडियो में आपको लगभग डाउनलोड लिंक मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखा है खाते में आएंगे 3,000 रुपये, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। साथियों, ये वीडियो चालू हो गई है सर की, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ, इनका वॉल्यूम बंद कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो मैं डिस्क्रिप्शन में गया तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि ये लिखा है डाउनलोड फॉर्म, तो मैं डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो ये आपका फॉर्म खुलेगा। यहाँ से ये आ गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है साथियों। तो आप ऊपर ये डाउनलोड का लिंक का डाउनलोड का निशान लगा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये फॉर्म आपका डाउनलोड ये हो शुरू हो गया है, कंटिन्यू। साथियों, ये फॉर्म आपका इस प्रकार से डाउनलोड होना चालू हो गया है। इसके बाद ये फॉर्म डाउनलोड हो जाता है तो आप फ़ोन के फाइल मैनेजर में जाएंगे। फाइल मैनेजर में जाके आपको ये डाउनलोड फॉर्म मिल जाएगा, तो वहाँ से उस फॉर्म को साथियों आप इसको फ़ोन को बैक कर दीजिए। तो आप इसमें चले जाइए फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में आपका डॉक्यूमेंट्स फाइल होती है, डॉक्यूमेंट्स फाइल पे जाइए तो आपका फॉर्म यहाँ आ चुका है, डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन। जे साथियों, आपका फॉर्म है, आप नज़दीकी किसी भी शॉप पे जाइए जिनके पास कंप्यूटर होता है, आप उन कंप्यूटर वालों से कहिए मेरे को इसका प्रिंट निकाल दीजिए। साथियों, वो आपको प्रिंट निकाल के दे देंगे, तो आप फॉर्म घर लेके आ जाइएगा। उसके बाद इस फॉर्म को कैसे भरना है साथियों, ये मैं आगे आपको बताता हूँ। साथियों, सबसे पहले आपको फॉर्म ये दिखाई दे रहा है, आपने सबसे पहले अपना यहाँ फ़ोटो लगा लेना है। उसके बाद जिसके कारण आपको संस्था के बारे में पता चला है, SPL लाइव लर्निंग के बारे में, आप स्पॉन्सर आईडी में उसकी आईडी लिख देंगे, साथ में ही उनका नंबर लिख देंगे। जैसे मेरे पास दीपिका अग्रवाल की आईडी है 96, उसका यहाँ पे नंबर डाल देना है। ऐसे आप नंबर डाल देंगे, साथ ही उसके नीचे आप उसका नाम लिख देंगे दीपिका अग्रवाल। उसके बाद आप अपना कैपिटल अक्षरों में पूरा यहाँ पे लिखेंगे, इस जगह पे अपना नाम डालेंगे। उसके बाद आप अपने हस्बैंड का या अपने फादर का नाम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल में। उसके बाद आप कहाँ रहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो यहाँ लिखना है, कौन से स्टेट में रहते हैं और कौन सी कंट्री है, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है, ये सारी चीज़ें भरनी है। उसके बाद
साथियों, आपने अपना ईमेल आईडी लिखना है। जिन लोगों को अपने ईमेल आईडी नहीं पता होता है, वो आप अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाके एक फंक्शन होता है उसमें अकाउंट, उस अकाउंट के ऊपर जाएं। तो अकाउंट के ऊपर जब आप जाते हैं तो उसमें कई एक फंक्शन खुलते हैं। आप गूगल पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर आपकी आईडी दिखाई देगी, तो वही तुम्हारी ईमेल आईडी होती है। साथियों, यहाँ पे आपने आधार कार्ड नंबर भरना है और यहाँ पे आपने पैन कार्ड नंबर भरना है। यहाँ पे उसके नीचे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। साथियों, उसके बाद आप मेल हैं, फीमेल हैं, औरत हैं या पुरुष हैं, वो लिखना है यहाँ पे। उसके बाद आप कितना पढ़े लिखे हुए हैं, हाई स्कूल हैं या ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। आप क्या क्या काम कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी यहाँ पे देंगे। आपको पैसा बैंक द्वारा प्राप्त करना है या आपको चेक से पैसा लेना है, इसके अंदर टिक करेंगे। फिर आपने अपना अकाउंट, जिनका अकाउंट आप दे रहे हैं उनका नाम लिखना है। इसमें अकाउंट नंबर डालना है, कौन सी ब्रांच है ये लिखना है। साथियों, ब्रांच के बारे में यहाँ पे एक बात रोकते हुए और बोल रहा हूँ। जिन भाइयों के पास IFIC कोड नहीं होता है, तो वो बैंक का यहाँ फार्म ना भरें। आप जिसमें IFC कोड होता है उसी का अकाउंट नंबर भरें, कहाँ पे ब्रांच स्थित है और फिर आपका नॉमिनी कौन है, नॉमिनी से रिश्ता आपका क्या है, उसके बाद नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ। फिर आपने साथियों यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं, यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है। साथियों, फिर आपने यहाँ पे आप पेमेंट करके है ऑप्शन, तो आपने जो नंबर दिया हुआ है 02740500521, जे IFC कोड दिया हुआ है इसका, ICICI बैंक है। आपने अपने नज़दीकी किसी भी मनी ट्रांसफ़र वाले के पास चले जाइए। अगर खुद नहीं कर सकते हैं तो उनको कहिए कि मेरा इस अकाउंट में 600 रुपये का ट्रांसफ़र कर दो, तो वो आपको एक रेफरेंस नंबर देगा। तो वो पैसे जमा होने के बाद रेफरेंस नंबर आपने यहाँ पर लिखना है, उसके बाद किस डेट में पेमेंट हुई है यहाँ लिखना है, अक्षरों में लिखना है 600 रुपये मात्र। उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपने शब्दों में 600 रुपये। फिर आपने इस आईडी पे SPLEANDEE@gmail.com फार्म को कहाँ भेजना है। साथियों, ये आपको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ भेजना है फार्म। इससे पहले, फार्म भेजने से पहले साथियों, सबसे पहले आपने अपने फ़ोन में आधार कार्ड की फ़ोटो खींच लेनी है फ्रंट और बैक साइड से। उसके बाद आपने साथियों एक पैन कार्ड की फ़ोटो खींचनी है। फिर आप जीमेल पे चले जाएंगे और साथ ही आप फार्म की भी फ़ोटो खींच लेंगे। जीमेल पे जाएंगे, जीमेल को ऑन करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये गूगल पहले से शायद लिंक नहीं था ये फ़ोन, तो मैं इसको ज़रा लिंक कर देता हूँ। साथियों, 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। साथियों, आप जैसे जीमेल पे जाते हैं तो जीमेल में आप यहाँ एक पेन का निशान बना है, बहुत से फ़ोनों पे प्लस का निशान होता है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। और साथियों, यहाँ पे जहाँ 2 लिखा है आपने वहाँ पर इस आईडी को भरना है, SPLEANDEE@gmail.com। साथियों, यहाँ पे आपने भर दिया। उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट लिख देंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं। उसके नीचे आएंगे तो आपने सबसे ऊपर ये दिख रहा होगा आपको, इस एरो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने इस अटैच फाइल को दबाना है। आपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं साथियों, आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, तो आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को देखिए। मेरे इस फ़ोन में डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो मैं इसमें कोई भी आपको एक फ़ोटो ही क्लिक करके दिखा देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कैसे जाते हैं। साथियों,
ये डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ पे आ गया। ऐसे ही आपने पैन कार्ड और फार्म और आधार कार्ड की कॉपियाँ यहाँ पे कर देनी है। उसके बाद ऊपर ये तीर का निशान है, तीर के निशान के ऊपर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर, तो आपका रजिस्ट्रेशन फार्म वहाँ पहुँच जाएगा। साथियों, इसके बाद आपको एक जानकारी और देता हूँ कि अभी भी जिन लोगों को समझ में ना आया हो, तो इस वीडियो पे मैंने अपना मोबाइल नंबर छोड़ रखा है, आप मेरे को कॉल कीजिए और मैं आपको व्हाट्सएप पे ही ऑनलाइन फार्म भरवा के भिजवा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलता हूँ।